हरिः ॐ तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्री पंढरीनाथाय नमः। श्री चंद्रभागाय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकाव्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदालव्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनि कर। जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण
कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि पंढरीनाथ भगवान की जय। श्री पांडुरंग भगवान की जय। श्री विठ्ठल भगवान की जय। भू वैकुंठ श्री पंडरपुर धाम की जय। श्री चंद्रभागा जी की जय। श्री भक्त पुंडरीक की जय। समस्त रसिकाचार्य पूर्वाचार्य चरणन की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री राधा गोपाल प्रभु की जय। उनके दिव्याति दिव्य श्री रस महामहोत्सव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दत्त भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त पंढरपुरवासीन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। निताई गौर हरि बोल। निताई गौर हरि हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल श्री पंढरीनाथ प्रभु की महती कृपा करुणा से यहाँ के अनुसार परम पवित्रतम मार्ग शीर्ष मास में और हमारे ब्रज क्षेत्र में चांद्र मास के अनुसार पौष मास जिसमें ठाकुर जी का खिचड़ी महोत्सव होता है, धनुर्मास होता है, धनुर्मास के पवित्र अवसर पर हम आप सबको भू वैकुंठ श्री पंढरपुर धाम में श्री राधा गोपाल प्रभु के दिव्य रस महोत्सव के माध्यम से श्री राधा गोपाल प्रभु की चरण सन्निधि में श्री पंढरीनाथ भगवान की चरण सन्निधि में और जब से श्री पंढरीनाथ प्रभु यहां
भक्त पुंडरीक के प्रेमाग्रह पर विराजमान है, तब से लेके अब तक जो भी महान भक्त रसिक आचार्य चरण हुए हैं, उन सबकी भावमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग विविध आयोजनों के माध्यम से सुलभ हो रहा है। वैसे हम लोगों का नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रारंभ होता है, नव संवत्सर उसी दिन से आरंभ होता है। किंतु हम लोग कृतज्ञ हैं, वर्तमान समय में व्यवहार प्रायः अंग्रेजी वर्ष के माध्यम से संचालित हो रहा है, इसलिए हम ऐसा कहें कि इस व्यवहारिक वर्ष 2023 की परिसमाप्ति और व्यावहारिक नव वर्ष 2024 का प्रारंभ श्री राधा गोपाल की सन्निधि में समाप्ति भी बहुत आनंद पूर्वक हो रही है और व्यावहारिक नववर्ष का आरंभ भी बहुत आनंद पूर्वक हो रहा है। सत्पुरुषों के मन में कोई प्रेरणा होती है, उसके पीछे निश्चित भगवान का ही संकल्प होता है, भगवदीय संकल्प होता है। दुर्भाग्य से पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता के अंधानुकरण में लगे हुए लोग व्यवहारिक वर्ष की समाप्ति पर भी जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं और उसके आगमन पर भी जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वह खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वह पीते हैं, जो नहीं करना चाहिए वह करते हैं और जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाते हैं। इस प्रकार की जो कुरीति आ गई है, कुसंस्कार समाज में प्रविष्ट हो गए हैं, उनसे भारतीय युवक युवतियों को कैसे बचाया जाए। और हमें लगता है कि भारतीय युवक युवतियों को ही प्रेरित करने के लिए अंत भला सो सब भला, कम से कम वर्ष की समाप्ति तो बहुत अच्छे प्रकार से हो जाए और व्यवहारिक वर्ष का आरंभ भी बहुत अच्छे प्रकार से हो जाए, लगता है इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए और अनेक प्रकार की जो विकृतियां आ गई हैं उनसे युवक युवतियों को बचाने के लिए ही श्री राधा गोपाल प्रभु ने रस महोत्सव के ब्याज से, ये ब्याज शब्द गोस्वामी जी हम इसलिए उच्चारण कर रहे हैं कि जो नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति हैं, नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति हैं और अनादि काल से विहर रहे हैं और अनंत काल तक विहरते रहेंगे, क्योंकि यदि उसमें आदि और अंत हो जाएगा तो नित्य शब्द निरर्थक हो जाएगा। हमारे ब्याह करने से उनका ब्याह होगा क्या? नित्य लीला में तो वे नित्य युगल हैं, नित्य दिव्य दंपति हैं और प्रकट लीला में भी हमने गुरुजनों के मुख से सुना है कि
वृषभानु जी के यहाँ कीर्ति की कुक्षी से जब कीर्ति कुमारी वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ भाद्र कृष्ण अष्टमी को ठाकुर जी का प्राकट्य नवमी को नंदोत्सव और भाद्र शुक्लाष्टमी को श्री राधा रानी का प्राकट्य तो इस रीति से यदि विचार किया जाए तो ठीक 15 दिन का अंतर है और जब वृषभानु गोप के यहां श्री राधा रानी का महोत्सव हुआ दधि कर्दम महोत्सव हुआ तो उस समय श्री वृषभानु जी ने घोषणा कर दी कि जब तक श्री नंदराय जी ब्रजरानी श्री यशोदा जी के सहित और अपने अभी अभी प्रादुर्भाव जिनका हुआ है अपने लाला के संग जब तक मैया यशोदा और श्री नंद राय जी नहीं आवेंगे तब तक दधि कांदो महोत्सव आरंभ ही नहीं होए। अब प्रेमाग्रह में सब कछु करना पड़े तो वृषभानु जी ब्रजराज हैं उनके आग्रह को उनकी आज्ञा को नंद राय जी ने सिरोधारी किया और उनके प्रेमाग्रह का आदर करते हुए श्री यशोदा जी के सहित और बाल गोविंद के सहित श्री कीर्ति के महल में पधारे हैं। मैया तो मैया माने श्री यशोदा मैया तो अपने लालन को अपने आंचर में झांप के सूतिकागार में प्रविष्ट भई है और वहां जब श्री वृषभानु नंदिनी राधा रानी का दर्शन किया है नवजात कन्या के रूप में जिसकी अंग कांति से संपूर्ण सूतिकागार जगमगा रहा था मानो पीत वर्ण की विद्युत छटा से स्नान कर रहा हो तो लाली को जन्म भयो ये बात तो मैया ने सुनी तो लाली के उपयोग के अनुरूप गुड्डा गुड़िया खेल खिलौना लहंगा फरिया ये सब लेके मैया आई पर श्री जी का दर्शन करके मन में ऐसो भाव जगे मैया के या लाली के प्रथम दर्शन पे इन सब वस्तुओं को हम कहा न्यौछावर करें ये इनकी कहा गरिमा महिमा है नंदराय जी के खजाने में ऐसो कोई रत्न है क्या कि जो मैं न्यौछावर करके अपने मन को संतुष्ट कर सकूं पर ठिठक के खड़ी रह गई भाव समाधि में चली गई यशोदा मैया मैया को समझ में आया नंदराय जी के खजाने में ऐसो कोई रत्न नहीं है जाकू न्यौछावर करके हम अपने मन को संतोष दे सकें तो मैं कहा न्यौछावर करूं हमारा तो ये नीलमणि ही सर्वोत्कृष्ट रत्न है तो मैया ने आचरते अपने नीलमणि बालकृष्ण को निकास्यो और श्री लली जी के ऊपर 3 बार न्यौछावर करके चरणन में पधराए दियो जैसी पधरायो लली जी अत्यंत आह्लादित भई और पतो नहीं किलकारी श्री जी के मुखारविंद ते प्रकट भई लाल जी के मुखारविंद पे प्रकट भई और को देख ही नहीं सके कि लाल जी किशोरी जी के दक्षिणांग में कितने जल्दी आएगी पधराए तो चरण प्रांत में पर पलक झपकते ही सबको ऐसो दर्शन भयो कि किशोरी जी के वृषभानु नंदिनी जी के दक्षिणांग में श्री ठाकुर जी हैं और बामांग में श्री किशोरी जी हैं जब युगल एक साथ एक सैया पर दर्शन भये श्री लाल जी ने अपनो करकमल बढ़ायो श्री जी की ओर और श्री जी ने अपनो करकंज बढ़ायो लाल जी की ओर दोनों के करकंज को स्पर्श भयो देवता ने दुंदवी बजाई
और बोलो युगल सरकार की जय। आप लोग सोच रहे होंगे कि महात्मा लोग भी कैसी कैसी कथाएं गढ़ लेते हैं। अबई लारी को जन्म भयो है, नालो छेदन तक नहीं भयो, और आपने पाणी ग्रहण कराई दियो। भैया बात यही है, रसिक जन युगल को ठाकुर जी को श्री जी सो और श्री जी को ठाकुर जी सो दूर नहीं रखना चाहे। इसलिए तो केवल श्री रमण लाल नहीं, श्री राधा रमण लाल, श्री राधा रानी इनते कहूं एक क्षण के लिए अलग नहीं है सके, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बांके बिहारी लाल। आह क्या कहना, श्री जी निरंतर ठाकुर जी के श्रीअंग में विराज रही है। तो रसिक जन तो प्रकट लीला में भी प्रथम मिलन में बहुत विलंब नहीं करते हैं, वो तो जन्मोत्सव के समय ही प्रथम मिलन हो जाता है। अब कुछ महानुभाव तो ऐसे भी हैं गुसाई जी, वो कहें कि होरी पे जब बाबा को और नंद राय जी को और ब्रसवान जी को मिलन भयो तो काना फूसी भई, बोले हमने कछु सुने हो कि कछु कछु हैवे की संभावना है, महर के कछु हैवे वारो है। बोले हाँ हमने ही सुनी है कि महर के कछु हैवे वारो है। बोले हाँ बात तो सांची है। भाई देखो दोवन के लाला भाई तब तो बात अलग है, तुम्हारे लाली भई हो हमारे लाला भयो तो रिश्तो पक्को, और तुम्हारे लाला भयो हमारी लाली भई तो रिश्तो पक्को। तो कहते दोवन ने गुलाल एक दूसरे को लगायो और संबंध पक्को कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये रस महोत्सव है तो अप्रकट लीला में नित्य लीला में तो हमारे नित्य किशोर अजन्मा बिहरत एक प्राण द्वैतन मा, इनके मल मैथुन कछु नाही, दिव्य देह बिहरत बन माहि, दिव्य देह बिहरत बन माहि। तो इनके विवाह के ब्याज से, विवाह महोत्सव के बहाने से हम सबको व्यवहारिक वर्ष की समाप्ति पर और व्यवहारिक वर्ष के आरंभ पर सत्संग का सुख प्रदान करने के लिए ही श्री राधा गोपाल प्रभु ने अपने प्राण प्यारे चरणाश्रित कृपाश्रित कृपा पालित अपने सखा और अपने दास और अपने बालक श्री गोवत्स राधा कृष्ण जी के हृदय में प्रेरणा की, और उस प्रेरणा का स्वरूप आज यह रस महोत्सव इस प्रकार का महोत्सव बन चुका है कि जैसे परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत सिया अनुज नेह निधि श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी, उन्होंने श्री सीताराम विवाह महोत्सव बक्सर में आरंभ किया और जो उत्सव अयोध्या या जनकपुर की पहचान बनना चाहिए था वह उत्सव इतने विराट रूप में श्री सीताराम विवाह महोत्सव बक्सर धाम की पहचान बन गया। ठीक उसी प्रकार से गोवत्स जी पर श्री ठाकुर जी ने और संतों ने ऐसी कृपा करुणा बरसाई के रस महोत्सव भारतवर्ष का अद्वितीय और अनुपम महोत्सव बन गया। एक महोत्सव संपन्न नहीं होता है और दूसरे महोत्सव की चटपटी लोगों को लग जाती है कि अब अगला महोत्सव कहां होगा, इसकी घोषणा कब होगी, इसके लिए लोग सांस रोक के प्रतीक्षा करते हैं कि अब अगला महोत्सव कहां होगा।
और सबका चित्त आकृष्ट रहता है। दास अपनी निवेदन करे तो हम तो सच्ची बात बतावें कि हमको तो लगता है कि आरंभ से लेके परिसमाप्ति तक हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, उत्सव में ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ बाध्यताएं ऐसी उपस्थित हो जाती हैं कि पूरे समय चाह कर भी उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो पाती है, पर उत्सव के आरंभ होते ही मन तो श्री राधा गोपाल प्रभु के चरणों में ही रहता है। हम तो बड़े कृतज्ञ हैं व्यास जी के, इसलिए कृतज्ञ हैं कि हमारी तो करोड़ करोड़ कल्प तक भी ऐसी पात्रता नहीं है कि हम प्रत्यक्ष श्री ठाकुर जी से कोई रागात्मक संबंध स्थापित कर सके। उनका एक नाम भी नहीं ले सकते, एक नाम भी यदि जिह्वा पर सौभाग्य से प्रसंगवश उच्चरित होता है तो उसमें इन प्राकृत इंद्रियों का सामर्थ्य नहीं है कि सच्चिन्मय आनंदमय रसमय भगवान नाम को प्रकट ये प्राकृत इंद्रियां कर सकें, क्योंकि हरि नाम अप्राकृत है। तो प्राकृत इंद्रियों में इसको प्रकट करने की शक्ति कहाँ है? तो जो भूले भटके भी नाम प्रकट हो जाता है यह हरिगुरु संतों का अनुग्रह ही है, अपनी सामर्थ्य नहीं। तो हमें सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि पात्रता तो न थी और ना है न होने वाली है, लेकिन चलो इतने वैष्णव कहेंगे कि लाला के बाबा आ गए, लाली के बाबा आ गए, तो इस नाते से हमारी पात्रता नहीं है। पर श्री ठाकुर जी इन वैष्णवों की वाणी को तो सत्य करने का विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने बक्सर वाले मामा जी से पूछा, ऋषिकेश में गीता भवन 3 नंबर में, कि आप श्री जानकी जी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करते हैं, इसी नाते से सब लोग आपको मामा जी कहते हैं, तो मामा जी यह बताइए कि इस संबंध की स्वीकृति आपकी ओर से है कि श्री जानकी जी की ओर से है? यह प्रश्न किया किसने? पूज्य स्वामी जी ने। तो बक्सर वाले महाराज जी ने इतना सुंदर जवाब दिया जिसको कहते नहले पे दहला, हाथ जोड़ के बोले, सरकार आप जैसे संत बार बार इस बालक को मामा जी कह रहे हैं तो क्या फिर भी श्री हमारी करुणामयी किशोरी जी संबंध की स्वीकृति नहीं करेंगी? ध्यान में आई बात? भाई आप आयु में ज्ञान में सब प्रकार से हमसे वृद्ध हैं, बार बार मामा जी कह रहे हैं आप, तो आपने आपकी वाणी से तो संबंध की स्वीकृति हो गई, और जब आपकी वाणी से हो गई तो निश्चित श्री किशोरी जी की वाणी, किशोरी जी ने स्वीकार न किया होता तो आपकी वाणी से मामा जी ऐसा संबोधन क्यों निकलता? फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि आप छोटी बहन मानते हो कि बड़ी बहन? तो मामा जी बहुत भाव विवल हो गए, नेत्र से श्रुधार बहने लगी, बहुत देर तक कुछ कह नहीं सके। बाद में उन्होंने कहा कि सरकार इस भाव को मानने वाले धरती पर बहुत से हैं, पर यह दास तो अनुभव करता है कि श्री किशोरी जी के जितने भाई हैं उनमें सबसे छोटा ये दास है।
स्वामी जी बोले, फिर तो अपनी गोद में बैठ बिठा करके बहुत प्यार दुलार करती होंगी। यह कहकर स्वामी जी भी गदगद हो गए और मामा जी भी गदगद हो गए। बस इसके बाद एक दूसरे से कुछ कह न सके। तो संत कह दें, वैष्णव कह दें, भक्त कह दें, तो भगवान भक्त वाणी ही सो प्यार है। ये भक्तमालकार श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री राधा रमण लाल जी की परंपरा में दीक्षित गोस्वामी श्री प्रियादास जी महाराज की पंक्ति है भक्तमाल टीकाकार, भक्त वाणी ही सो प्यार है। ठाकुर जी को भक्त वाणी से प्यार है। यद्यपि हमारा प्रमाद है कि हम आज विलंब से आए, लेकिन हम जानकर भी विलंब से आए। हमारे सामने यंत्र रख दिया गया था और भक्त पुरंदर दास जी का चरित्र चल रहा था। मन तो था कि हम प्रत्यक्ष सामने उपस्थित होकर सुने, लेकिन उस उत्साह में एक भय प्रविष्ट था कि कहीं हमारे जाते ही व्यास जी ये न कह दें कि हम तो देखो आके बैठ गए थे, हम जल्दी पल्दी पूरा कर देते हैं, महाराज जी सुनाएंगे। तो हम भक्त पुरंदर दास के चरित्र श्रवण से वंचित रह जाएंगे। इतना अद्भुत रसमय चरित्र व्यास जी की वाणी से प्रकट होता है और पता नहीं कितनी भाषाएं ठाकुर जी ने इनको सिखा दी हैं। अभी तक तो केवल मारवाड़ी, गुजराती और हिंदी में ही सुनते थे और मराठी में अभंग सुनते थे, पर आज तो कन्नड़ गाया इन्होंने। क्यों ना हो। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो। भगवान के चरण कमलों में जिसकी निष्काम भक्ति होती है, समस्त गुण उसमें अपने आप आकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। भगवान गुणगान कराना चाहते हैं इसलिए, भगवान अपने भक्तों का गुणगान कराना चाहते हैं इसलिए। तो हमको तो सबसे बड़ा लाभ इस रस महोत्सव का यही मिला कि हमारा रागात्मक संबंध स्थापित कर दिया ठाकुर जी से। हमारे वृंदावन में पूज्य स्वामी श्री रामस्वरूप शर्मा जी रासाचार्य जी, जो पद्मश्री विभूषित भी थे और पूज्य पंडित जी महाराज की विशेष कृपा उन्होंने प्राप्त की थी। कंठ तो क्या कहना, अंतिम क्षण तक पूज्य स्वामी जी का कंठ वैसा ही मधुर कंठ रहा आया। उनके यहाँ लीला हो रही थी, तो एक लीला चल रही थी व्यास जी, जिस स्थिति में भी हो उसी स्थिति में सीधे लेवाला हो अत्यंत आवश्यक है। जिन किन्हीं महापुरुष को उन्हें बुलाना होगा वे किसी कारणवश नहीं आ सके होंगे,
तो वो उन ये नहीं बताए किस लिए बुला रहे हैं। श्रावण पूर्णिमा थी, रक्षाबंधन का पर्व था। अहम श्रावणी उपाकर्म करके यज्ञोपवीत बदल के बैठे ही थे, उसी समय आ गए। बोले नहीं नहीं आप तो तिलक नहीं किया, जल्दी जल्दी तिलक करो, जल्दी चलो। अत्यंत आवश्यक रूप से स्वामी जी ने बुलाया। हम सोचे भाई क्या बात आ गई, चलें। वहाँ जैसे ही पहुँचे तो स्वामी जी बोले भैया रक्षाबंधन है, बाबा आपको गुरु बनोए ठाकुर जी श्री जी को, रास बिहारिणी रास बिहारी जी के लिए रक्षा सूत्र बांधना है, तो शांडिल्य जी की भूमिका में, गर्गाचार्य जी की भूमिका में आपको रहना है। महापुरुष आने वाले थे वे नहीं आए, आपको राखी बांधना है। अब हम तो बड़े संकट में पड़े। बोले दंडवत नहीं करनी है आपको, रक्षा बांधनी है और आशीष देनी है, आशीर्वाद देना। पर तुरंत एक भाव मन में आया कि चलो किसी नाते से ही सही, मोहि तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे, मानिए जो भावे। हमारी पात्रता नहीं, आपको जो मंजूर हो, आप जो मान सकते हो वो नाता आप बना लें, जो बनाओ सो बन जाएंगे। तो ठाकुर जी श्री जी को रक्षा सूत्र बांधते समय एक अलौकिक और विलक्षण अनुभूति हुई। तो हमने उपकार माना उनका कि रक्षाबंधन तो जीवन में न जाने कितने आए, लेकिन मंत्रोच्चार पूर्वक साक्षात ठाकुर जी श्री जी को रक्षा सूत्र बांधना और ये सौभाग्य जीवन में आज प्राप्त हुआ। तो आज हमारा रक्षाबंधन सफल हुआ और यह शरीर विप्रकुल में उत्पन्न हुआ, तो विप्रकुल में जन्म लेना भी आज सार्थक हो गया। दूसरी बात, पूज्य पाद श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी का जो दिव्य धरातल है, अंतःकरण की जो अवस्था है, जो उनकी बहुत ऊंची कक्षा है रसोपासना में, उसकी छाया के स्पर्श का अधिकार भी इस दीनहीन का नहीं है। हम इनके चरणों का स्पर्श कर सकें ऐसी पात्रता भी हमारी नहीं है। पर अब तो बराबरी की पट्टेदारी है, इसलिए आपने अनुभव किया होगा कि व्यवहार के विरुद्ध है। लड़के वाला लड़की वाले को दंडवत करके तब मिलनी नहीं होती है, होती है कभी? सुना देखा आपने दुनिया में? हमने तो किसी का ब्याह देखा नहीं, पर आप लोगों ने तो ब्याह किए हैं और ब्याह देखे भी होंगे। गोस्वामी जी मिलनी होती है समधी की, तो दुल्हा का बाप कन्या के पिता को दंडवत करता है पहले सिर रख के, कहीं देखा सुना आपने? पर यहां तो सब उल्टा पलटा है। और ठीक ही है, ठाकुर जी की लीला में पहले से बर ससुरारी में बैठे, सुनी सब हंसत ठठात जी, ऐसी रघुवर तुम्हारी, देखी न ऐसी बरातरी, जैसी रघुवर तुम्हारी। रघुनाथ जी पहली दुल्हा के रूप में बैठ गए जनकपुर में जाके। हमारे राधा गोपाल प्रभु हमेशा हमसे पहले ही पहुंचते हैं, और कुछ लेट होते हैं तो हमारे कारण ही होते हैं लेट। कल भी हमारे कारण ही ठाकुर जी लेट हो गए, लेकिन वाह धन्य है जिन लोगों ने अपने नेत्रों से उस झांकी का दर्शन किया, वे धन्य हैं। और जो इस आधुनिक यंत्र के माध्यम से देख रहे हैं वे भी भाग्यशाली हैं, वे भी धन्य हैं।
कल बरात नहीं थी, कल बराता थी, बराता। कम से कम 3 किलोमीटर में या इससे ज्यादा ही हो सकती है, इससे कम बरात नहीं थी। बरात में कोई किसी को पूछता नहीं। हम सोचते थे कि हम पीछे से भी जाएंगे तो भी हमको लोग बहुत पूछेंगे और हमको कहेंगे आइए आइए महाराज, आइए महाराज, रास्ता खुला है आपके लिए। लेकिन हमको पता है कि कितने गली कूचे से घूम घूम के, कितनी मशक्कत करके तब हम महाराज जी के पास तक पहुंच पाए। इतनी भीड़। और ऐसा दिव्य संकीर्तन ये सब वारकरी वैष्णव कर रहे थे, सब अपने अपने में मगन थे। ऐसी दिव्य झांकी का दर्शन पंढरपुर में हम लोगों ने किया। ये निश्चित श्री पंढरीनाथ प्रभु की कृपा है और श्री राधा गोपाल प्रभु की कृपा है कि कहाँ जोधपुर से ठाकुर जी कितने श्रम पूर्वक यहाँ पधारे और फिर पुनः कितना श्रम पूर्वक ठाकुर जी विजय करेंगे। लेकिन इतना श्रम भी उन्हें श्रम प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि अपनी रसमयी लीला का दर्शन करा के, अपने प्राण प्यारे भक्तों का चरित्र सुनाकर प्रभु सबको विश्राम देना चाहते हैं। और यहां तो प्रत्यक्ष देखिए महाराज जी, पंढरीनाथ जी को सबसे कम विश्राम करने देते हैं भक्त, सोने ही नहीं देते उनको। जगन्नाथ जी भी बहुत कम सोते हैं, पंढरीनाथ जी भी बहुत कम सोते हैं, तिरुपति बालाजी भी बहुत कम सोते हैं। और कुछ बात ही ऐसी है, जो बड़े हो जाते हैं वो सोते कम है। अब इनसे बड़ा कौन होगा, इसलिए ये न सोवें तो भी चलेगा। ठाकुर जी की विलक्षण लीला है, सबको विश्रांति देना, यही श्री ठाकुर जी का भाव है। सबको विश्रांति अपने दर्शन से, अपने स्मरण से, अपने चरित्र से और अपने प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों के श्रवण से सबको विश्राम प्राप्त होता है। कितने अद्भुत सौभाग्य की बात है कि पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी प्रतिवर्ष जहां कहीं भी रस महोत्सव होता है कृपा पूर्वक अपने परिकर सहित पधारते हैं। और हम अपने हृदय की बात कहते हैं, पूज्य महाराज जी की उपस्थिति से लगता है कि ब्रज के समस्त रसिकाचार्य इनके स्वरूप में मूर्त हो करके, इनके भीतर अपने भावों को स्थापित करके और यहां प्रकट हो गए। स्वामी जी की परंपरा के आचार्य हैं, इसलिए हम तो ऐसे ही मानते मानो अनन्य रसिक द्रौपदी श्री स्वामी हरिदास जी की कृपा करुणा इस स्वरूप में आकर के हम लोगों के मध्य विराजमान होती है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने हृदय से जिनको अपने पट्ट शिष्य के रूप में स्वीकार किया, ऐसे श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु, जिनके स्वप्रगट ठाकुर श्री राधा रमण लाल जी, जिनके मुखारविंद में श्री गोविंद देव का दर्शन, जिनके वक्ष में श्री मदन मोहन जी का, श्री गोपीनाथ जी का दर्शन, और जिनके नाभि से लेकर चरण तक श्री मदन मोहन जी का दर्शन, एक साथ जिनमें दर्शन होता है, और जो श्री गौरहरि का ही स्वरूप हैं, ऐसे श्री राधारमण लाल जी, उनके श्री अंग सेवी गोस्वामी आचार्य श्री पुंडरीक जी कृपा करके पधारते हैं। और जब ये पधारते हैं, ये विराजते हैं उत्सव में, तो हमको तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण बलराम एक साथ खड़े हैं, अथवा श्री निताई गौर एक साथ खड़े हैं और इस उत्सव में सब वैष्णवों को कृतार्थ कर रहे हैं। और अब तो छोटे राधा रमण लाल जी के सबसे छोटे जो
श्री अंग से भी प्रकट भए हैं। अब तो उन्होंने भी कल दिखा दिया कि हम भी आगे उत्सव में ऐसे ही नाचेंगे। नाच नाच के दिखा दिया कि हम भी इसी तरह से उत्सव में आगे परंपरा का निर्वहन करते रहेंगे। ये सौभाग्य है, आप भी बहुत व्यस्त रहते हैं, देश में नहीं पूरी दुनिया में आपकी मांग है कि आप यहाँ पधारें, यहाँ पधारें। और ये सौभाग्य है, हम सब संतों का सौभाग्य है कि हमारे ब्रजमंडल की विशिष्टतम विभूति परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंतश्री समलंकृत पूज्यपाद श्री श्री कृष्ण चैतन्याश्रय तीर्थ जी और पूर्व नाम में अनंतश्री समलंकृत पूज्यपाद श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, उनकी मंगलमयी वाणी को सुनकर के जो सौभाग्य हम लोग प्राप्त करते थे और पूज्य आचार्य श्री भूति कृष्ण जी की वाणी से जो सौभाग्य प्राप्त हम करते थे, वह मैं मूल व्याज के पूज्य पुंडरीक जी की वाणी के माध्यम से हम सब लोगों को सुनने को प्राप्त होता है। ये हम सबका सौभाग्य है। पूज्य श्री देवगढ़ वाले बाबा जी महाराज, कोई कहे कि संत को परिभाषित करो तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, देवगढ़ वाले बाबा जी के चरणों में प्रणाम कर लेना ही पर्याप्त है। एक महात्मा के पास हम गए, उज्जैन कुंभ की बात है, सन हमें याद नहीं है। उन महात्मा का नाम नेपाली बाबा था। नंग धड़ंग बैठे थे, एक लंगोटी थी खाली, वो भी टाट की, और 40,000 लोग आए थे संकीर्तन करने के लिए। 1,008 संकीर्तन कुंज बने थे अखंड संकीर्तन के, और वो 1,008 मंडलियां कीर्तन एक साथ कर रही थी। वो विलक्षण दृश्य हम देखने गए थे, उज्जैन कुंभ की बात है। बड़ी भारी व्यवस्था थी। हम उन संत का दर्शन करने गए तो कार्यक्रम हो रहा था, उससे दूर बबूल की झाड़ियों में एक वैसी ऊपर से एक टाट की छाया और ऐसी टेढ़ी बेढ़ी लकड़ियों से चारों ओर घेराबंदी की थी, एक टाट पे वो बैठे थे। तो हमको उस घेरे के भीतर बुला लिया, बोले आप पहली बार हमारे सामने पड़े हो, आए हो, हमें आपके दर्शन की बड़ी इच्छा थी और हम आपकी कथा सुनते रहते हैं। नाम लिया, हम आपकी कथा सुनते रहते हैं तो हमको भी कुछ सुनाओ। हम सुनाने नहीं आए, हम तो दर्शन करने आए। तो बोले एक प्रश्न तो हम आपसे पूछेंगे, कहिए। बोले यदि संत को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वह कौन शब्द है? क्या पूछा उन्होंने? संत को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वह कौन सा शब्द है? दास के मन में आया कि ये कह दूं, ये कह दूं, फिर मन में तो रहता है कि नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जब हम श्रद्धा पूर्वक दर्शन के लिए आए हैं तो पहले इनकी सुननी चाहिए, बाद में कुछ भाव आवे तो हम कहेंगे, अपनी कहने लग जाएं तो इनकी वाणी से तो वंचित हो जाएंगे। हमने कहा महाराज जी, हम तो दर्शन के लिए आए हैं, हमारा भाव है कि आप अपनी वाणी से कहें। तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, और ऐसे गुरु महाराज ने कहा सीताराम सीताराम करो तो सीताराम सीताराम करते हैं, और लोगों को भी कहते सीताराम सीताराम करो, बस यही बात है, और हम कुछ नहीं जानते हैं। बोले हमारी समझ में इतना आया है कि संत को यदि एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वह शब्द है सरल चित। क्या? सरल चित। बड़ी प्रसन्नता हुई और तुरंत हमारी स्मृति में आया संत
सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सने बाल विनय सुनि करि कृपा, श्री राम चरण रति दे। संत कहते ही उसको हैं जो सरल चित हो, और व्यास जी जो सरल चित नहीं होगा उससे जगत हित भी नहीं होगा। सच्ची बात तो यह है कि सरल चित हुए बिना अपना हित होने में भी संदेह है, तो जगत का हित कहां से होगा। यदि आप सरल चित नहीं हैं तो अपना कल्याण होने में संदेह है, सारे जगत का कल्याण कहां से होगा। सरल चित, एक वयोवृद्ध महात्मा हमको मिले, गोरे दाऊ जी में कथा हो रही थी, सरलता के ऊपर कुछ लंबी चर्चा हो गई, तो हम जैसी कथा से निकले तो वे वयोवृद्ध संत हमारे निकट आए और भाषा से ऐसे लग रहे थे कि कोई 84 उस ब्रज के ठेठ गांव के कोई ब्रजवासी बड़े बूढ़े हों, साधु बन गए हों। बोले बाबा, तुमने सरल शब्द की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या कर डाली, कि क्यों कुछ अनुचित लगा। बोले हमारी भी सुन लो, उनकी सुनाओ। बोले देखो, हम पढ़े लिखे तो हैं ना, हम तो ब्रजवासी हूँ, बाबा जी है गए, हमारी समझ में तो ये आयो, सा माने सीता जी, राम माने राम जी, ला माने लक्ष्मण जी, जिसके हृदय में विराजे वो सरल है। अब देखो, किसी संस्कृत व्युत्पत्ति से ये बात सिद्ध नहीं होगी, पर संत ने इतने सहज भाव से कहा, स माने सीता जी, राम माने राम जी, ला माने लखनलाल जी, तीनों जिसके हृदय में निरंतर विराजे, इसका तात्पर्य क्या है गोस्वामी जी। इसका तात्पर्य है कि युगल तत्व और आचार्य तत्व, सीताराम जी युगल तत्व हो गए और श्री लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं तो आचार्य तत्व हो गए, बलभद्र जी के रूप में कहें तो आचार्य तत्व हैं, श्री नित्यानंद जी के रूप में कहें तो आचार्य तत्व हैं, श्री रामानुज स्वामी जी के रूप में कहें तो भी आचार्य तत्व हैं, लक्ष्मण जी के रूप में कहें तो भी आचार्य तत्व हैं। तो श्री युगल तत्व और श्री आचार्य तत्व नित्य निरंतर जिनके अंतकरण में प्रतिष्ठित है वे सरल हैं। तो सरल चित जगत हित, इस सरल चित की व्याख्या अब करने की आवश्यकता नहीं है। पूज्यपाद श्री देवगढ़ वाले बाबा जी महाराज इसकी सम्यक और संपूर्ण व्याख्या है। इतने बड़े हैं कि इनके बड़प्पन को हम अपनी वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते। हम बड़ा उपकार मानते हैं व्यास जी का कि ऐसी विभूति से इन्होंने हमारा संबंध करा दिया, हमको देवगढ़ जाकर के परम पूज्य समर्थ सद्गुरु श्री किशनगिरी बाबा जी के दिव्य समाधि स्थल का दर्शन हुआ, और वहाँ जो कथा का स्वरूप था और वहाँ जो कथा में दिव्य रस की अनुभूति हुई वो अपने आप में अलौकिक थी, अनुपम थी, अद्भुत थी। ऐसे पूज्य बाबा का भी मंगलमय दर्शन हम लोगों को प्रति रस महोत्सव में हो जाता है। हम उनके चरणों में भी प्रणाम करते हैं। पूज्य श्री नांदेड़ वाले स्वामी जी जो बहुत सहज और बहुत सरल हैं, और श्री दत्त भगवान का अनंत अनुग्रह है, आपके जो पूर्वाचार्य थे श्री लिंगायत परंपरा से, ये हमारे ठाकुर जी तो झपट्टा मार ठाकुर जी हैं, कब डकैती डाल दें, कब चोरी कर लें, ये तो इनके बाएं हाथ को खेल है। तो इनके पूर्वाचार्य चरण के चित्त को हमारे श्री पंढरीनाथ जी ने चुरा लिया और अपने महाराष्ट्र में अपने निकट निवास, यही कथा है ना, कि वो जा रहे थे और श्री पंढरीनाथ जी ने अपने उनके चित्त को बरवस अपनी ओर आकृष्ट कर दिया। तो आपकी परंपरा में श्री हरिहर की एक रूप से हरिहर भाव की उपासना होती है। ऐसे पूज्य स्वामी जी
हमारे पलसाना वाले पूज्य महंत जी महाराज तो कल इतना दिव्य नृत्य कर रहे थे कि क्या कहना। कभी झुकी झांकी झरोखे में बांके बिहारी, कभी घूंघट से झांक रहे थे गोरीलाल जी वालों को, कभी दास के ऊपर भी कृपा कर रहे थे ऐसे पलसाना वाले महंत जी महाराज। और ये तो अभी मिले थे श्री अनंत दास जी महाराज जोरहाट में, थोड़ी देर के लिए आए और फिर गायब हो गए, उड़ गए कहाँ पता नहीं। और हमको खबर भी नहीं थी कि यहाँ प्रकट हो जाएंगे, पर नारद जी का क्या ठिकाना कब कहाँ पहुँच जाएं। गति सर्वत्र तुम्हार, सर्वत्र इनकी गति है, ऐसे श्री अनंत दास जी महाराज का दर्शन। और अनेक महानुभाव यहाँ विराजे हैं जिनका प्रत्यक्ष नाम हम नहीं अनुभव कर पाते हैं, उनका नाम हमारी स्मृति में नहीं है, लेकिन कोई श्री नामदेव जी के पवित्र परंपरा के हैं, तो कोई श्री तुकाराम जी की पवित्र परंपरा के हैं, तो कोई श्री माने जो जो पंढरपुर की संत परंपराएं हैं, वैष्णव परंपराएं हैं, उन परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक महानुभावों का भी मंगलमय दर्शन इस उत्सव में प्राप्त हुआ। वैसे पता नहीं हम सब आप यहाँ आ पाते कि नहीं आ पाते, लेकिन इस रस महोत्सव के ब्याज से हम सबको यहाँ उपस्थित होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम करें क्या, कहें क्या, हम तो केवल समय की पूर्ति कर रहे हैं। कथा तो जो कहनी थी वो श्री पूज्य गोवत्स राधा कृष्ण जी ने भक्त पुरंदर दास जी का चरित्र 5 लाख के करीब पद रचना करने वाले पुरंदर दास जी, भले ही अब सब प्राप्त न हो उनके उनकी रचनाएं, लेकिन कन्नड़ साहित्य भक्ति साहित्य तो श्री पुरंदर दास जी से के कारण ही समृद्ध है, ऐसा हमने संतों से सुना है, अद्भुत है। और आप लोगों ने सुना ही कि पूर्व जीवन में कितने कंजूस थे और ठाकुर जी ने कैसे उनके जीवन को सर्वथा परिवर्तित कर दिया और कैसी भक्ति कैसी उपासना उन्होंने की। आज सवेरे पूज्य बाबा के अनुग्रह से हम लोग भगवान के महाभिषेक में गए थे, तो वहाँ बताया कि ये श्री पुरंदर दास जी का स्तंभ है, गुरु स्तंभ है, पुजारियों ने ही बताया। तो समय तो जो निर्धारित है वो पूर्ण हो चुका है, लेकिन श्री नामदेव जी का 56 छंद बोल करके और उनके चरणों में हम प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि यह स्वरूपानुरूप है। यद्यपि आपने अपने वक्तव्य में कहा कि श्री नामदेव जी, तुकाराम जी, श्री ज्ञानेश्वर महाराज, श्री एकनाथ जी, इन सब के चरित्र बहुत प्रसिद्ध और बहुत व्यापक हैं, और जिन चरित्रों की चर्चा लोग कम करते हैं उन चरित्रों को कहा गया, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। दास भी कई बार ये बात कहता है कि भक्तमाल की कथा में प्रायः लोग मीरा जी का चरित्र कहते, होना चाहिए, लेकिन अवसर मिले तो उस काल की एक और मीरा श्री भक्त भूप रत्नावती जी का भी चरित्र कहना चाहिए, अवसर मिले तो उस काल की महान रस की अनुभूति करने वाली मधुर रस की उपासिका जिन्हें अपने काल की आचार्या कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, भक्तिमती श्री करमेती बाई, जो बहुत पहले वृंदावन में आई, उस काल में वृंदावन में आई, व्यास जी करमेती बाई उस काल में वृंदावन आई, अकबर के काल की बात नहीं, बहुत पहले की बात है, उस काल में करमेती बाई वृंदावन आई, जिस काल में मनुष्य शरीर में पूरे वृंदावन में अकेले करमेती का शरीर था। उनके पिता जब करमेती बाई से मिलने आए हैं तो हिंसक सिंह व्याघ्र सर्प आदि श्री करमेती जी के देह की रक्षा कर रहे थे, शरीर पर वस्त्र नहीं था, गोस्वामी जी पूरे श्रीअंग पर रज लिपटी हुई थी, लता
और पत्ते यही उनके शरीर का आवरण था। उनके केश बड़ी बड़ी जटाएं बन गए थे, उन्हीं को उन्होंने उन्हीं विशाल जटाओं से अपने शरीर को ढक रखा था। ये कर्मेति भाई, लगता है साक्षात वैराग्य है कि साक्षात श्री कृष्णानुराग है कि मूर्तिमंत प्रेम है, क्या है अद्भुत। इसलिए संत मुख करत बड़ाई, कर्मेति भाई का चरित्र क्या कहना। तो जो अप्रसिद्ध चरित्र हैं उन चरित्रों को कह करके और लोगों को लाभ देना चाहिए, लोग पता तो चले कि कैसे कैसे चरित्र हैं, कैसे कैसे भक्त हुए। और ठाकुर जी ने तो, व्यास जी ने तो एक दिशा दिखा दी है। अब महाराष्ट्र के संतों का यह पुनीत कर्तव्य है कि महाराष्ट्र की धरती पर पंढरपुर में आने वाले, पंढरीनाथ जी से प्रेम करने वाले, पंढरीनाथ जी के साथ जिनके लीला प्रसंग हैं, ऐसे सभी परंपरा के संतों का मराठी में भले ही उपलब्ध हो उनका साहित्य, हिंदी में भी उनका चरित्र उपलब्ध करके, और जो मराठी भाषा का ज्ञान जिनको नहीं है उस क्षेत्र में भी लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि महाराष्ट्र की धरती पर या पंढरपुर में आने वाले कितने उच्च कोटि के भक्त हो गए हैं। क्योंकि भक्त चरित्रों का संकलन, भक्त चरित्रों का संग्रह और भक्त चरित्रों का प्रवचन, ये कितना कल्याणकारी है। नाभा गोस्वामी जी ने कहा, भक्त दाम संग्रह करे, भक्त रूपी पुष्प जो यत्र तत्र प्रकट हुए हैं उन पुष्पों का चयन करके और माला बनावे, भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे श्री हरि की गोद। जो भक्त दाम संग्रह करते हैं, कथन करते हैं, श्रवण करते हैं अथवा केवल अनुमोदन करते हैं, वे भी भगवान की गोद के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए हम तो प्रार्थना करते हैं कि इस महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर पंढरपुर से जुड़े हुए श्री शंकराचार्य जी से लेकर सभी संत भक्तों के चरित्र का संकलन होना चाहिए और मराठी में भी उसका प्रकाशन होना चाहिए और हिंदी में भी उसका प्रकाशन होना चाहिए, जिससे सब वैष्णव उसका लाभ ले सकें। और महापुरुष जो समाज में, व्यवहार में, उत्सव महोत्सवों में आते जाते हैं, उनका दर्शन तो बहुत सुलभ है, हो जाता है। पर जो इस भीड़ में भी एकांत में बैठे हैं और एकांत में भी एकदम एकांत में बैठे हैं, जिनकी वृत्ति निरंतर अंतर्मुख बनी रहती है, ऐसे परम पूज्य श्री दत्त दास जी महाराज, जिन जो दत्त भगवान की कृपा करुणा का ही मूर्त स्वरूप हैं, जिनके पवित्र स्थान में जाकर के हमको तो एक रात्रि ही विश्राम का अवसर मिला, लेकिन अद्भुत आनंद और अद्भुत दिव्यता वहाँ के पूरे वातावरण में है। गोदावरी का पवित्र तट है, ऐसा लगता है कि श्री वृंदावन वहाँ प्रकट है, दिव्य धाम भगवान का प्रकट है। ऐसे दत्त धाम वाले महाराज जी, उनका मंगलमय दर्शन, तो एक कितना बड़ा सौभाग्य एक साथ एक स्थल पर हम लोगों को प्राप्त हो जाता है, ये सब भगवान की कृपा है। अब हम नामदेव जी का छप्पे छंद कह के और फिर अपनी वाणी को विराम कहेंगे। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वहि ज्यों त्रेता नर हरि दास की, नाम देव प्रतिज्ञा निर्वहि ज्यों त्रेता नर हरि दास की, बाल दशा बीठल्य पानी जाके पय पियो, बाल दशा बीठल्य पानी जाके पय पियो,
मृतक गौ जीवाय परचो असुरन को दियो। मृतक गौ जीवाय परसो असुरन को दियो। सेज सलिलते काढ़ी पहिल जैसी ही होती, देवल उलट्यो देखी सकुच रहे सब ही सोती। पंढर नाथ कृत अनुग ज्यो छानी सुकर छाई घास की, नाम देव प्रीति ज्ञा निर्वही ज्यो। त्रेता नर हरिदास की ज्यो, त्रेता नर हरिदास। स्मरण भक्ति का आचार्य श्री प्रह्लाद जी को माना गया। स्मरण भक्ति की सिद्धावस्था क्या है? स्मरिय भगवान का सर्वत्र अनुभव कर लेना, ये स्मरण भक्ति की पूर्णता है। इसलिए प्रियादास जी ने टीका में लिखा है प्रह्लाद जी के चरित्र में कि सुमरण कियो ले कियो सांचो, या सांचो सुमरण कियो, तो प्रियादास जी कहते लियो देखी सब ही में। स्मरण की सत्यता यह है कि स्मरिय भगवान का इष्ट का आराध्य का सब में दर्शन कर लेना, क्योंकि जब तक सर्वत्र भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक स्मरण होगा ही नहीं, स्मरण काल में भी विस्मरण हो जाएगा। राम 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 स्मरण कर रहे हैं और सामने से आया कुत्ता। अब हमारी आंख ने, हमारी बुद्धि ने, हमारे मन ने कहा कि ये कुत्ता है, तो इसका मतलब है राम जी भूल गए, कुत्ता याद आ गया, तो स्मरण काल में भी विस्मरण हो गया। और नामदेव जी की रोटी लेकर के भागा कुत्ता, और वह घी का पात्र लेकर पीछे से दौड़े कि प्रभो ये सूखी रोटी गले में अटक जाएंगी, थोड़ा घी तो चिपड़ लेने दीजिए, आपको भोग लगाने की इतनी जल्दी क्या पड़ गई, थोड़ा घी तो छुपड़ लेने दीजिए। और वस्तुतः वह कुत्ता नहीं था, श्री पंढरीनाथ प्रभु ही लीला करने पधारे थे। कुत्ता तिरोहित हो गया और पंढरीनाथ प्रभु प्रकट हो गए। नामदेव धन्य है, तुम कुत्ते के रूप में भी मैं आऊँ तो तुम मुझे पहचानते हो। बोले भगवान भक्त कहते ही उसको हैं, जिसकी नज़र से भगवान कहीं छुपे नहीं उसी को भक्त कहते हैं। पौराणिक भक्तों में प्रह्लाद जी का स्मरण सच्चा है, और इस वर्तमान युग के भक्तों में, कलयुग के भक्तों में श्री नामदेव जी महाराज का स्मरण सच्चा है। और उनका तो नाम ही नामदेव है, नाम को ही जिन्होंने अपना आराध्य इष्ट देव माना हो ऐसे श्री नामदेव जी महाराज। पौराणिक भक्तों में जो स्थिति श्री प्रह्लाद जी की है, वर्तमान युग के संतों में, कलयुग के संतों में वही अवस्था श्री नामदेव जी को प्राप्त है। भगवत साक्षात्कार के महाराज जी चार प्रकार बताए। प्रथम प्रकार है भगवत साक्षात्कार का स्वप्न साक्षात्कार। क्या? स्वप्न साक्षात्कार। यद्यपि कुछ लोग स्वप्न को मिथ्या कहते हैं, चलो मान लो एक अंश में स्वप्न मिथ्या है, पर जो सच्चिदानंद प्रभु स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं वे तो मिथ्या नहीं है। उनको मिथ्या सोचना भी महापाप है। भगवान के स्वरूप को मिथ्या कहने वालों को श्रीमद् भागवत जी ने, श्री शुकाचार्य पाद ने नारकीय प्राणी कहा है। नरक भाग विरसत प्रसंगई ही ब्रह्मा जी की स्तुति में, नरक भाग वो नरक के अधिकारी हैं जो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को
प्राकृत या पांच भौतिक अथवा माइक अथवा नाशवान बतलाते हैं, ये नारकीय प्राणी है। तो भगवान की अनुभूति स्वप्न में हो रही है, वह मिथ्या नहीं हो सकते। पुराणों में इस प्रकार के अनेकों चरित्र हैं जहां स्वप्न दर्शन से भी प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। इस स्वप्न दर्शन से ध्यान का दर्शन श्रेष्ठ है। ध्यान में भगवत स्वरूप का दर्शन होना, जैसे नारद जी के ध्यान में भगवान प्रकट हो गए भागवत के प्रथम स्कंध में, जहां नारद जी का चरित्र है, भगवान का स्वरूप नारद जी के हृदय में प्रकाशित हो गया, ये ध्यान का दर्शन। तीसरा दर्शन है भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन, पर इस प्रत्यक्ष दर्शन से भी बढ़कर एक दर्शन है। और वहां तक जब तक वैष्णव न पहुंच जाए, साधक न पहुंच जाए, तब तक उसे अपनी अनुभूति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। देखिए गोस्वामी जी, बड़ी विचित्र बात है, करदम जी महाराज को प्रथम भगवत साक्षात्कार हुआ 10,000 वर्ष की तपस्या की उन्होंने, और अष्टभुज महाविष्णु के रूप में गरुड़ जी पर विराजमान भगवान ने उनको दर्शन देकर के, वर देकर के कृतार्थ किया प्रथम दर्शन। और दूसरी बार तो इतने सुलभ हो गए भगवान कि स्वयं पुत्र बनकर आ गए, कपिल रूप में पुत्र बन के भगवान आ गए, पुत्र के रूप में भगवान पधारे। अब इसके बाद भी पुत्र बनकर ठाकुर जी आ गए, अब इसके बाद कमी क्या रह गई? और कपिल भगवान कह रहे हैं अपने पिता करदम जी से, गच्छ कामम मया पृष्टो मई संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम अमृतत्वाय माम भज। हे पिताजी, मेरी अनुमति है, आज्ञा है, आप जाइए संन्यास लीजिए। संपूर्ण कर्मों का समर्पण, इसी को संन्यास कहा भगवान ने, संपूर्ण कर्म मुझ परमात्मा में समर्पित कर दीजिए और मुझ अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो, ये भगवान ने आदेश दिया है। तो अब भगवान से ही पूछा जाए कि जय जय, आपने पहले अष्टभुज महाविष्णु के रूप में दर्शन दिया, फिर आप पुत्र बनकर आ गए, तो भी आपकी अप्राप्ति रह गई क्या? तो अब कौन सी प्राप्ति अवशिष्ट है जिसके लिए आप कहते तुम मेरी प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो? इसका मतलब अभी मुझे पूरी तरह प्राप्ति नहीं हुई। और इसका अंतिम में संकेत है कि श्री करदम जी ने जब संन्यास लिया तो संपूर्ण प्राणियों को भगवान में अवस्थित देखा और भगवान को संपूर्ण प्राणियों में अवस्थित देखा, यही है भगवान की अंतिम प्राप्ति। भगवान के सर्वगत सर्वमय स्वरूप का अनुभव करना, और इस अनुभव को प्रत्यक्ष करने वाले भक्त प्रवर श्री नामदेव जी महाराज हैं। बोलो श्री नामदेव जी महाराज की जय। तो पौराणिक भक्तों में प्रहलाद जी के समान उनकी दिव्य स्मरण के आचार्यत्व की अवस्था है, और ध्रुव जी को 5 वर्ष की आयु में ही भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हो गया, और इसी प्रकार से नामदेव जी को 5 वर्ष की आयु में ही श्री पंढरीनाथ भगवान ने उनके हाथ से दुग्धपान किया और बादशाह को भी नतमस्तक किया, मरी हुई गाय को जीवित कर दिया, और श्री यमुना जी के महल से अनेकों दिव्य रत्नमय पलंग उन्होंने प्रकट कर दिए, और अग्नि में जब उनका घर जलने लगा तो उसमें बचे कुचे सामान को भी होम दिया, अग्नि की लपटों में भी पंढरीनाथ जी का दर्शन किया। तो श्री पंढरपुर बिहारिणी बिहारी श्री पंढरीनाथ प्रभु ने अपनी दिव्य कृपा करुणा की, और दिव्य कृपा करुणा करके स्वयं अपने हाथ से श्री नामदेव जी की छान छवाई। बोलो श्री नामदेव जी महाराज की जय। नामदेव जी का एक अभंग हमको गाना तो आता नहीं है, फिर भी आप लोग जैसे कोई
अंग्रेजी वाला व्यक्ति हिंदी बोले ऐसे ही समझ लेना हमको भी, ऐसे हम बोले देह जाओ अथवा राहो राहो, देह जाओ अथवा राहो, देह जाओ अथवा राहो राहो, देह जाओ अथवा राहो। पांडुरंगी दृढ़ भावो, पांडुरंगी दृढ़ भावो, देह जाओ देह जाओ अथवा राहो राहो, देह जाओ अथवा राहो जाओ अथवा राहो। चरण न सोड़ी सर्वथा, चरण न सोड़ी सर्वथा, तुझी आण पंढरी नाथा, तुझी आण पंढरी नाथा, देह जाओ अथवा राहो राहो, देह जाओ अथवा राहो। बदनी तुझे मंगल नाम, बदनी तुझे मंगल नाम, हृदय अखंडित प्रेम, हृदय अखंडित प्रेम, जाओ अथवा राहो राहो, देह जाओ अथवा राहो। नामा मणे केशव राजा, नामा मणे केशव राजा, नामा मणे केशव राजा, नामा मणे चालवी माझा, केला ने चालवी माझा, देह जाओ अथवा राहो राहो, देह जाओ अथवा राहो। पांडुरंगी दृढ़ भा जाओ अथवा राहो राहो, देह जाओ अथवा राहो, देह जाओ अथवा राहो।
जाए, क्योंकि ये तो नाशवान है, जाए चाहे रहे, किंतु हे पांडुरंग आप में मेरा दृढ़ भाव रहे। जैसे देह विनाशी है ऐसे ही मेरा विनाशी भाव आपके प्रति ना हो, मेरा आपके प्रति अविनाशी भाव हो, अविचल भाव हो। तुझी आण पंढरीनाथ, मैं तुम्हारी शपथ लेकर कहता हूं हे पंढरीनाथ कि आपके इन चरणों को किसी भी अवस्था में मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं आपकी शपथ पूर्वक कहता हूं आपके चरणों को किसी अवस्था में छोड़ूंगा नहीं। मुख में आपका मंगल नाम होगा और हृदय में आपके अजस्र अखंडित प्रेम की धारा सदा प्रवाहित रहेगी, प्रेम प्रवाह निरंतर रहेगा। तब प्रश्न उठा कि आपने इतनी कठोर प्रतिज्ञा कैसे कर ली, क्या अपने बल पर कर ली? नामदेव जी कहते हैं कि हे केशवराज, मैंने जो यह व्रत लिया है कि मेरे हृदय में अखंडित प्रेम होगा, मेरे मुख में सदा आपका नाम होगा, हृदय में सदा आपकी लीला और आपके स्वरूप की झांकी होगी, मेरा आप में अविनाशी भाव रहेगा, यह जो प्रतिज्ञा मैंने की है यह अपने बल से नहीं की है, मैंने आपके भरोसे यह प्रतिज्ञा की है, मैंने आपकी शरणागति के बल का आश्रय लेकर यह प्रतिज्ञा की है, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने भक्त के वचन की पूर्ति में अपनी संपूर्ण भगवत्ता का विनियोग कर देते हैं, आप पूरी शक्ति लगा देते हैं अपने भक्त की निष्ठा की पूर्ति में। इस आपकी प्रतिज्ञा को मैं जानता हूं, इसलिए मैंने ये प्रतिज्ञा की है, आपके बल पर प्रतिज्ञा की है। हम भी श्री नामदेव जी के शब्दों के साथ अपने भावों को मिलाकर के भगवान से प्रार्थना करें कि यह रस महोत्सव का दिव्य प्रसाद, अखंडित नाम, अखंडित स्वरूप का अनुभव और निरंतर भगवान की लीला रस में ही डूबे रहना, इस प्रकार से हम लोगों का जीवन भी बने और जीवन के अंतिम श्वास तक भगवद विस्मरण न हो, भगवत लीला का विस्मरण न हो और इन संतों से कभी विमुखता स्वप्न में भी न हो। इसी शब्द इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी, गुरीला कुंज वाले महाराज जी, पूज्य गोस्वामी जी, बाबा महाराज स्वामी जी, व्यास जी, पूज्य दत्तधाम वाले महाराज जी, सभी पूज्य संतों को, वैष्णवों को यथा योग्य हम प्रणाम करते हुए श्री पंढरीनाथ भगवान के चरणों में उनके प्राण प्यारे भक्त नामदेव जी का स्मरण करके वाणी को विराम देते हैं।